देखिए, अब जो बातें कही गई हैं वो तमाम अपनी बातों अपने अनुभवों के आधार पर जो है कहने की कोशिश जो है वो मौलाना महमूद असद मद्दी ने कही हैं। और इन बातों को लेकर उन्होंने जब ये बातों का जिक्र चल रहा था, जब वो अपना भाषण दे रहे थे, तो उसी वक्त उन्होंने बीच में ये भी कहा कि आज शाम या कल में जो है वो जो इबादत गाहों और मस्जिदों को लेकर विवाद चल रहा है उस पर भी प्रस्ताव लाया जाएगा और वो प्रस्ताव जो है अधिवेशन के किसी न किसी सेशन में पास किया जाएगा और तब तक जमीयत की तरफ से इस संबंध में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये समझने वाली बात है कि जिस तरीके से ये सरकार जो है वो एकता अखंडता और राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन उसी सरकार ने मुसलमानों का राह पर चलना जो है वो मुश्किल कर दिया है। और इसके पीछे जो आधार दिए गए, अगर हम पूरे इस सेशन को सुने तो अलग अलग लोगों द्वारा जो बातें कही गई जिनमें धर्म संसद की बातें हैं, जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई है, जिसमें कहा गया कि उसमें मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है, ये तमाम आरोपों के आधार पर कहा कि मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल की गई है। मैं कोशिश करूंगा लोगों से बात करने की, अगर कोई बात करने को तैयार हो। फिर भी यहाँ तमाम लोग जो हैं वो जमीयत से जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका, आप कहाँ से आए? जिला बहराइच। बहराइच से हैं, अच्छा, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। आज जो पूरा ये सेशन हुआ, आज आपने क्या समझा, क्या लगा इन बातों से, क्या मैसेज देना आगे? अभी तो प्रोग्राम और होना है, अभी क्या तो कुछ हुआ बड़ा बड़ा। उन्होंने कहा कि जो बातें, जो सरकार अखंडता राष्ट्रवाद की बात करती है लेकिन वो मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल कर रही, क्या ये बातें जो आती हैं कि मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल भी है मौजूदा सरकार में, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? मुश्किल क्या है, बस ये अपनी तरफ से वो हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी ना उससे डरने वाले। बिल्कुल, जो सर मुद्दा चल रहा है ये ज्ञानवापी का, इस तरह के जो मुद्दे चल रहे हैं, इनको किस तरह से देखते हैं? ये तो सब उन्हीं के हथकंडे हैं जो इधर उधर अपनाए जा रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है वीडियोग्राफी भी है, उसकी क्या रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, जो वीडियो बनाए गए काहे की? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो तो सब सामने आना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, तो आपका का शुभ नाम क्या है आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद जी बहराइच से हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश जो है यहाँ पर करेंगे। अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से जो हैं वो यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, मौलाना हैं, वो पहुँचे हैं और तमाम जो दीवान और पुराने लोग भी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद रोमान। आप किस शहर से आए हैं? मैं पंजाब से आया हूँ। पंजाब से किस जिले से? जिला कपूरथला। कपूरथला, ये बताइए आज क्या मैसेज आप लोग को समझने को मिला इस पूरे जमीयत के इस पूरे कार्यक्रम में? हमें इस जमीयत के कार्यक्रम में, हम जैसे यहाँ पाए हैं तो बहुत सारी हमें नई बातें भी मिली है और जैसा हम जमीयत के बारे में सुन रहे थे उससे भी कहीं ज़्यादा हमको इसको जो बात कही जाती है कि ये जो सरकार है ये अखंडता और राष्ट्रवाद की बात करती है लेकिन उसने मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है इस सरकार ने, इस बात में कितनी सत्यता आप देखते हैं या किस तरह से देखते हैं आप? क्या मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल भी है इतने सालों में जब से ये सरकार आई है, मौजूदा सरकार? हाँ, जो मुसलमान हजरात है, देखो इनके बारे में कोई इनकी फराखी की या कोई इस तरह की बातें नहीं आती और ना इनके लिए कोई काम ऐसा नज़र आता कि हाँ जिससे मुसलमान अपने आप को खुश महसूस करें। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अमानुल्लाह। आप भी पंजाब से हैं? जी पंजाब। कहेंगे क्या आपको लगता है कि मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल भरी हुई है सरकार में और ज़्यादा उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, जो मद्दी साहब ने भी कहा उन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मद्दी साहब ने बताया कि सब्र करना चाहिए और आग को पानी से बुझाना चाहिए, प्यार को बढ़ाना चाहिए, इसलिए हमें भाईचारे को बढ़ाना है, अमन के पैगाम को आगे बढ़ाना है। जो ज्ञानवापी का मुद्दा आया कि वहाँ मस्जिद में शिवलिंग है, इस तरह की बातों पर आप क्या? अभी इसके बारे में वर्किंग कमेटी ने बताया कि अभी कोई बात नहीं होगी, अभी वो जो उसके बारे में बात होगी तब बात करेंगे, बात होगी जब उस बारे में आधिकारिक बात होगी। तो जाहिर तौर पर वही बात की जो प्रस्ताव पास किया जाएगा, जैसा कि मौलाना मदनी साहब ने बोला कि शाम या सुबह के वक्त में, कल सुबह के वक्त में जो है एक प्रस्ताव लाया जाएगा और अलग अलग देश के अलग अलग जिलों के हिस्से से जो हैं वो लोग आए हुए हैं और उन्होंने जो बातें सुनी हैं उन्हीं बातों को उन्हें वापस ले जाकर अपने इलाके के लोगों को समझानी और बतानी है कि उन्होंने जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद के इस अधिवेशन में क्या सीखा और क्या समझा है और उन्हीं बातों को बढ़ाना है।
और लगातार मौलाना महमूद मदनी जो कह रहे थे कि जिस तरह से नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमें जो है शांत रहकर रहना है और उस बातों को रिएक्ट नहीं करना है। तो इन्हीं बातों को जो है, सारी बातें जो है आज अधिवेशन में रखी गई हैं और दोबारा से शाम 7:30 बजे जो है वो सेशन जो है शुरू होगा और हो सकता है कि संभवतः उस वक्त जो है किसी तरह के मुद्दे जो है वो निकल कर उस वक्त सामने आए। ठीक है, बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे हम।